फ्रस्त हो गया हूं मैं भाई, फ्रस्त हो गया हूं, बिल्कुल फ्रस्त हो गया आज तो, बिल्कुल फ्रस्त। ये क्या है एल, हॉस्पिटल लेकर क्यों बैठे हो? इसका क्या मतलब है? अरे एल हॉस्पिटल नहीं है भाई, ये लोपिताल है। लोपिताल फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच, जिसमें टंग का इस्तेमाल होता है, लोपिताल। अरे चलो, नाम क्या भाड़ में, एटलीस्ट रूल को तो सही इस्तेमाल करना चाहिए ना। बच्चे क्या करते हैं, एफ बाई जी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्वेश्चन रूल लगा के। अरे भाई मत पूछो मत पूछो, बोल बोल के थक गया हूं। एफ को अलग डिफ्रेंशिएट करो, जी को अलग डिफ्रेंशिएट करो, पर नहीं, साथ में करेंगे, शादी हुई है इसे एफ और जी की। और मानो में क्या, सोने पे सुहागा, इनको लगता है कि लोपिताल 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के लिए ही बना हुआ है। मतलब बाकी के जो 5 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है उनका भगवान मालिक है, अनाथ है वो, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। लोपिताल रूल अप्लाई होता है 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म को साइड कर दोगे, नहीं है ऐसा। बाकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म को अगर आप 0/0 में कन्वर्ट कर देते हो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट कर देते हो तो आप उनपे भी लोपिताल लगा सकते हो। लोपिताल इज अप्लाइड टू 0/0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, बट इट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एनी इंडिटर्मिनेट फॉर्म। 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, सातों को आप सॉल्व कर सकते हो उससे। नहीं सर, ये तो 1 to the power इंफिनिटी है, क्यों लगाए हम इस पे लोपिताल? मेरे बाप, कोई पैसा मांग रहा है तुमसे लोपिताल के लिए? लगाना उस पे, इसको 0/0 में कन्वर्ट करना लॉग लेके। चलो एक बार को समझ भी लिया कि एफ बाई जी देख के किसी का भी मन करेगा कि क्वेश्चन रूल लगा देने का। चलो मान लो एक बार को समझ भी गया कि मिस्टेक होगी, बट यार किसने कहा है कि लोपिताल से स्टार्ट करने पे लोपिताल पे ही खत्म करो? अरे बीच में कोई स्टैंडर्ड लिमिट लिख दिख जाए तो लगा दो ना उसको। भैया लोपिताल से स्टार्ट करना है तो लोपिताल पे ही खत्म होना चाहिए, कहीं लिखा है क्या ऐसा? नहीं सर, लोपिताल स्टार्ट किया है, लोपिताल पे खत्म करेंगे। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, एक वीडियो बनाओ और बच्चों को एक्सप्लेन कर दो। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात करते हैं कि लोपिताल रूल आया कहां से। लोपिताल रूल बेसिकली आपका आता है कुशी मीन वैल्यू थ्योरम से। कुशी मीन वैल्यू थ्योरम इज अ सक्सेसर टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज अ सक्सेसर टू रोल्स थ्योरम। मैं आपको इनके बीच का कनेक्शन भी अभी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कुशी मीन वैल्यू थ्योरम कहता क्या है। कुशी मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो कि कंटिन्यूअस है इन अ क्लोज इंटरवल ए टू बी, और ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ए टू बी, राइट? तो ध्यान में रखिए एफ और जी ऐसा फंक्शन है जिनमें किसी प्रकार का कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई होल नहीं है। आपको सबको मालूम होगा 5 प्रकार के डिसकंटिन्यूटी होते हैं, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब ये स्मूथ है, हर जगह स्मूथ है, और जी की डेरिवेटिव कहीं भी वैनिश नहीं कर रही है। तो एज पर द फ्रेंच मैथमेटिशियन कुशी, दीज टू फंक्शंस विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, जहां उन्होंने कहा था कि देर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी ए विल बी इक्वल टू एफ डैश सी बाय जी डैश सी। इस पर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं जेई मेन और एडवांस में, तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखिए। नाउ गौरतलब बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका जी ऑफ एक्स फंक्शन एक्स हो जाता है, अगर आपका जी ऑफ एक्स फंक्शन एक्स हो जाता है तो आपका कुची मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। आशा करता हूं आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आता है। और अगर आपका ये फंक्शन एफ इस प्रकार से है ताकि वो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब आपका ये जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो कन्वर्ट हो जाता है रोल्स थ्योरम में। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपका कन्वर्ट हो जाता है रोल्स थ्योरम में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या रिलेशन है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का रोल्स थ्योरम के साथ, और क्या कनेक्शन है कुशी मीन वैल्यू थ्योरम का लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहां से लोपिताल रूल कैसे निकल के आता है। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर आप अपने एक्स को
मान लीजिए कि आपको एक ऐसा फंक्शन दिया गया है जो कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स टाइप का है। मान लीजिए कोई आपको एक ऐसा फंक्शन दे दिया गया है, करेक्ट, और आपको लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू a, और आपको यह मालूम है कि जब आप a पुट करते हो तो f ऑफ a जीरो हो जाता है और g ऑफ a भी जीरो हो जाता है, राइट। कहने का मतलब है कि इस सेम चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय g ऑफ x माइनस g ऑफ a, करेक्ट। अब यहां पे जो b का रोल है वो ऐसा समझ लीजिए कि वो x प्ले कर रहा है और ए का रोल तो यही प्ले कर रहा है। अब ये जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है ए को, राइट। दैट मींस जो एक्स कॉमा ए जो इंटरवल है ये बहुत छोटी सी इंटरवल है, एक बहुत ही कैन से एक्स इज इन द नेबरहुड ऑफ ए, करेक्ट। तो उनके बीच जो पॉइंट आएगा वो ए ही है, करेक्ट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट कैन बी रिटन एज एफ डैश ए बाय जी डैश ए, करेक्ट। अब आप इसको अगर आप हटा भी दें तो ये रूल वैसे का वैसा रहेगा, एंड दिस इज वॉट वी नो एज द लोपिताल रूल, राइट। और ये तब तक हम करते हैं जब तक हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का समाधान नहीं हो जाता, जब तक हमें एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाती। अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि लोपिताल रूल सही तरीके से लगाया कैसे जाता है। इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे, तो मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें और देखने से पहले लाइक ठोक दें, बिल्कुल लाइक ठोक दें आप लोग। अब यहां पर देखिए, सबसे पहली बात तो क्या ये लोपिताल लगाने लायक है, क्या ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में है। ध्यान में ये देना चाहूंगा आपको कि लोपिताल इज अप्लाइड ओनली टू जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, करेक्ट। बट ये किसी भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जी हाँ, ये तो जीरो बाय जीरो फॉर्म पे है। अब बच्चे क्या करते हैं, धनाधन धनाधन लोपिताल लगाने लग जाते हैं। ओके, पहली बात तो ये कि आपको इस पे कोशेंट रूल नहीं लगाना है, इसको एफ बाय जी की तरह ट्रीट करके डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कोशेंट रूल लगा के। न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग होगी, डिनोमिनेटर की अलग होगी मेरे दोस्त, साथ में नहीं करना है इनको, करेक्ट। अब दूसरी बात ये कि लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अगर कर लें तो उनकी लाइफ आसान हो सकती है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि जो साइन एक्स क्यूब है इसको अगर मैं बार बार डिफरेंशिएट करूंगा तो हो सकता है साइन का कॉस बने और एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाए। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। कैसे सिंप्लीफाई कर दोगे सर? वेरी सिंपल सी बात है, साइन क्यूब एक्स को एक्स क्यूब से डिवाइड करके यहां एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों किया भाई मैंने ऐसा? क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स तो वन होता है, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इनका काम तो हो गया, ये तो न्यूट्रलाइज हो गए, ये खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे, इनको हम लोग वन लिख सकते हैं। तो बाकी का जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन करने में मजा आएगा दोस्तों। अब देखिए इस पे लगाते हैं लोपिताल। अगर आप लोपिताल लगाओगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आप अलग अलग डिफरेंशिएट करना, मैं बार बार कह रहा हूं, करेक्ट। तो अगर मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करता हूं यहां पे तो मुझे मिलेगा 2 cos 2x और -2 cos x, डिनोमिनेटर को किया तो मुझे मिलेगा 3x², करेक्ट। अभी भी आप देख पा रहे हो कि जब आप जीरो पुट करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये अभी भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है, मतलब आप इस पे लोपिताल फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। आपको तब तक करते जाना है तब तक आप जब तक आपका आंसर जो है वो फाइनाइट क्वांटिटी ना हो जाए। तो लाइए अब इस पे हम फिर से लगाएं लोपिताल रूल। लोपिताल रूल लगाने पे ये हो जाएगा दोस्तों, दिस विल बिकम -4 sin 2x -2 × +2 हो जाएगा साइन एक्स बाय 6x, करेक्ट है। अब एक और बात मैं कह देना चाहूंगा यहां पे, बच्चे समझते हैं कि लोपिताल रूल से स्टार्ट किया तो लोपिताल पे ही खत्म करना है, राइट। चलो आप कर भी सकते हो ऐसा, बट अगर आपको किसी ऐसे स्टेज में पता चलता है कि भैया यहां तो हम स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते थे तो लगाइए ना, रोका किसने आपको। जैसे मैं यहां पे अगर मैं इसको लोपिताल ना लगा के इस प्रकार से सॉल्व करूं -4 sin 2x और नीचे 6x लगा दूं इसके अकेले में, और यहां पर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 sin x / 6x लगा दूं, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन के आ रहा है। ये तो आपका 1 हो गया, करेक्ट। तो 2/6 यहां पे 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। यहां पे आप देख पा रहे होंगे
कि जो आपका 6x है इसको आप लिख सकते हैं 3 into 2x। अब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो अभी आपका आंसर हो गया -4/3। तो यहां से आपका -1 आता है, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि लोपिताल से अगर स्टार्ट किया है तो लोपिताल पे ही जाके खत्म करना है, नहीं भैया, ये जरूरी नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप इस रूल को आगे जाके थोड़ी और समझदारी से इस्तेमाल करेंगे।